नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आकार आईएएस की इस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आज हम फिर से इतिहास के सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में इतिहास का पहला सवाल है हमारा कि 1935 के विधेयक के तहत संयुक्त सरकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड गवर्नमेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बिल ऑफ 1935 विच रिजल्टेड इन द इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शंस हैं हमारे लॉर्ड लिलिथगो, जेम्स मैकडोनल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली। तो चार ऑप्शन में से अगर हम देखें हमारा सही जो आंसर है तो सही आंसर है लॉर्ड लिलिथगो। बात करें अब अगर हम चार्टर एक्ट 1935 की, तो चार्टर एक्ट 1935 को 1935 में लाया गया था, लेकिन प्रभाव में अगर इफेक्ट की बात करें तो दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 1937। और इस एक्ट के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से राज्यों में से द्वैध शासन समाप्त करके द्वैध शासन को, यानी कि ड्यूअल जो सिस्टम था गवर्नेंस का, ठीक है, उसको लागू कर दिया गया। कहाँ उसको लागू कर दिया गया? केंद्र में। तो राज्यों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उसको केंद्र में लागू किया गया। उसके साथ में क्या हुआ, भारत में पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संघात्मक सरकार की स्थापना होती है और संघात्मक सरकार की स्थापना के बाद में 11 जो है ब्रिटिश प्रोविंस थे, इसके बाद 6 जो थे वो आपकी कमिश्नरीज थी, और 6 कमिश्नरीज के बाद में बाकी जो रिमेनिंग स्टेट्स थे वो थी देसी रियासतें, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स। देसी रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स। और इसी अधिनियम के माध्यम से जो है आरबीआई की भी स्थापना, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई। तो भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, इसका जो इस विधेयक के तहत जो गठित संयुक्त सरकार समिति थी, जो संयुक्त सरकार समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड लिलिथगो उसके अध्यक्ष थे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि 1935 के भारतीय कानून अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। 1935 का भारतीय शासन, भारतीय सरकार अधिनियम आया, भारतीय कानून अधिनियम आया, जिसमें एक इंडियन लीडर थे जिन्होंने कहा कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। तो वो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, सिराज गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के कानून अधिनियम को बोला कि एक ऐसी सरकार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। और इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 1935 के इस कानूनी अधिनियम की आलोचना की थी और उन्होंने इस कानून को मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत बताया था। तो 1935 के इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने यह स्टेटमेंट जो है वो दिया था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज प्रकाश सप्रू या चितरंजन दास। तो बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में, तो असहयोग आंदोलन के दौरान चितरंजन दास के साथ में कई और भी इंडिया के लीडर्स थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, जिसमें एक नाम है मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू के साथ में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी। उसके साथ में राजेंद्र प्रसाद जी ने भी अपनी वकालत जो है छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रसाद जी के साथ में वल्लभ भाई पटेल हो गए, उन्होंने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यानी कि कई ऐसे लीडर्स थे, कई ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस टाइम के जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट होती ही अपनी वकालत जो है वो छोड़ दी थी। अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर बात करें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है 1920 से। 1920 में कांग्रेस का नागपुर सेशन होता है, कांग्रेस का नागपुर सेशन होता है 1920 में,
और कांग्रेस के इस नागपुर सेशन में असहयोग आंदोलन को लेकर के प्रस्ताव रखा जाता है और यह प्रस्ताव जो है उसे स्वीकृत कर लिया जाता है। धीरे धीरे इस आंदोलन की शुरुआत होती है और इस आंदोलन का मूल उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई जो भी चीजें हैं उन चीजों का पूर्ण रूप से क्या करना, बहिष्कार करना, चाहे वो ब्रिटिश शिक्षा हो, चाहे वो ब्रिटिश सामान हो, वस्तुएं हो, जो भी चीजें हैं, मैनचेस्टर से बने हुए विदेशी कपड़ों की होली जलाना, तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो अपनाई गई थी इस असहयोग आंदोलन में। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि 22 फरवरी 1922 को 22 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इस मूवमेंट को समाप्त कर दिया जाता है। और चौरी चौरा में इंसिडेंट क्या था कि कुछ लोग शांतिपूर्वक अपनी रैली निकाल रहे थे और जिसके बाद चौरी चौरा नामक जगह पर कुछ लोगों की, आंदोलनकारियों की कुछ भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया, उसके कुछ जवानों को मार दिया और थाने में आग लगा दी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने कहा कि हम इस आंदोलन में हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं, हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं है, इसकी वजह और इस आंदोलन का मूल उद्देश्य जो था हम उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, इसमें हिंसा हुई है, तो उसके आधार पर अब इस आंदोलन को हम आगे सस्टेन नहीं कर सकते हैं। और 1922 में जो है यह आंदोलन पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है चितरंजन दास, तो चितरंजन दास के साथ और भी कई सारे प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने अपनी वकालत जो है असहयोग आंदोलन के दरमियान जो है वो छोड़ दी थी। अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन चुने। पहला स्टेटमेंट है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला राज्य स्तरीय सत्याग्रह था। दूसरा, तिनकटिया व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया गया था। तीसरा है कि इस आंदोलन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। पूछ रहा है कि तीनों में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें तो चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण बेसिकली कहाँ है, चंपारण बिहार में। तो बिहार के चंपारण में एक खेती होती थी, इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती होती थी, और नील की इस खेती को कराने के लिए एक सिस्टम चलता था जिसका नाम था तिनकटिया सिस्टम। तो तिनकटिया सिस्टम के अंतर्गत क्या था कि जिस भी भूमि पर खेती की जाती थी उस भूमि के तीसरे 1/3 भाग में, ठीक है, तीन भाग में जो है वो नील का उत्पादन किया जाता था। और इसके विरोध में जो है चंपारण के लोगों ने आवाज उठाई और बिहार के चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी की ख्याति के बारे में सुना, उन्होंने महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप हमारी इस समस्या का समाधान करने के लिए चंपारण आइए। तो चंपारण बेसिकली, गांधी जी जब भारत आए साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने स्टार्टिंग में तीन मूवमेंट किए, तीन आंदोलन किए, जिसमें से पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, दूसरा था अहमदाबाद में सत्याग्रह, तीसरा था खेड़ा, ठीक है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, तीन आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत में किए गए। और ये पहला स्टेटमेंट सही है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी का पहला राज्य स्तरीय सत्याग्रह था। दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है कि तिनकटिया व्यवस्था के खिलाफ इस सत्याग्रह की शुरुआत करी गई थी। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि चंपारण में आकर के हमारी समस्या का समाधान करने के लिए आप सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत कीजिए। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर आपके सही है। पूछ रहा है गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो डी ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल पर नजर डालें। अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, उपरोक्त में से कोई नहीं। बनारस अधिवेशन गलत है, कोलकाता अधिवेशन में 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो सूरत अधिवेशन भी गलत है। तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में पहली बार जिस शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, उद्देश्य ये था कि अब जो है हम ब्रिटिश हुकूमत को किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं करेंगे। और इस कोलकाता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की, दिस सेशन वॉज हेडेड बाई दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने इस सेशन की अध्यक्षता की और इस सेशन में का ये प्रस्ताव रखा गया कि अब ब्रिटिश माल का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। तो यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
शिव नारायण अग्निहोत्री ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की, शिव दयाल अग्निहोत्री ने जो है कि लाहौर में देव समाज की स्थापना की। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसमें देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें शिव नारायण अग्निहोत्री ने नहीं बल्कि शिव दयाल खत्री ने, तो ये यहाँ पे नाम होगा शिव दयाल खत्री। तो शिव दयाल खत्री ने 1861 में, शिव दयाल खत्री ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। और इसके बाद इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक राधा स्वामी सत्संग जो है उसकी स्थापना करी। उसके अलावा शिव दयाल अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की। तो शिव दयाल अग्निहोत्री के द्वारा नहीं बल्कि शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है वो स्थापना की गई। किसकी? लाहौर में देव समाज की स्थापना की गई। पहले स्टेटमेंट में शिव नारायण अग्निहोत्री ने नहीं बल्कि शिव दयाल खत्री ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। उसके बाद उनके समर्थकों ने दयाल बाग में राधा स्वामी मंदिर की स्थापना करी। और इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट अगर देखें तो लाहौर में शिव दयाल अग्निहोत्री ने नहीं बल्कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। तो सर पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो दोनों आपके गलत हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और दो दोनों ही आपके यहाँ पर सही नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नौसेना विद्रोह की शुरुआत 19 फरवरी 1946 को मुंबई में INS तलवार के नौ सैनिकों ने की। सरदार पटेल के दबाव में नौसेना विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोनों यहां पे पूछ रहे हैं कि गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि नौसेना विद्रोह की जो शुरुआत होती है, नेवल जो रेवोल्यूशन आपको दिखता है पहला, वो 19 फरवरी 1946 को मुंबई में INS तलवार के नौ सैनिकों के द्वारा किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में नौसेना के सैनिकों ने इस विद्रोह को का जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था। तो गलत स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन यहाँ पे होगा कि दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है। मैं अगले सवाल पे बात करते हैं कि विद्रोह और उसे जुड़े हुए नेतृत्व लिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? फकीर विद्रोह, मजनू शाह और चिराग अली, रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, पाइका विद्रोह, बख्शी जगबंधु, रंपा विद्रोह, जत्रा भगत। तो यहाँ पर तीनों मैचेस आपके करेक्ट हैं कि फकीर विद्रोह जो है वो मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में हुआ था, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन रंपा विद्रोह जत्रा भगत के नेतृत्व में नहीं हुआ था। रंपा विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सीताराम भगत राजू ने किया था। रंपा विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया था सीताराम राजू ने। तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व जत्रा भगत के थ्रू नहीं बल्कि सीताराम राजू के माध्यम से किया गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर रंपा विद्रोह जो है वो सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के बारे में है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? उन्होंने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उसने उनके काल में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया और इसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो ये तीन स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन से गवर्नर जनरल के बारे में है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके लॉर्ड लिटन से रिलेटेड है। लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में, उसके शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी और उनके काल में ब्रिटिश की महारानी जो विक्टोरिया है उनको केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इसके लिए दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड लिटन। तो ए इस ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बात करते हैं, तो जोनाथन डंकन ने जो है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस के द्वारा कराया गया था। गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन यहां पर होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है।
तो आज के इस वीडियो में हमने इन सवालों पर चर्चा की और आगे भी अभी हम इतिहास के और कई सारे सवालों पर बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।